यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। झारखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष शिवधारी राम ने मंगलवार को पलामू जिला मुख्यालय के विभिन्न छात्रावासों का जायजा ले वहां रह रहे छात्र व छात्राओं से उनकी समस्याएं सुनी। श्री राम ने पलामू क्लब के समीप अवस्थित बालिका छात्रावास का दौरा किया, जहां शौचालय की बदहाल स्थिति व टूटी चार दीवारें देख तत्काल उन्होंने 25 लाख रुपए छात्रावास प्रबंधन को मुहैया कराया। साथ ही अविलंब कमियां दूर करने का निर्देश भी प्रबंधकों को दिया। इसके बाद आयोग अध्यक्ष बाईपास रोड स्थित अम्बेडकर छात्रावास पहुंचे, जहां छात्रों ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने छात्रावास का भलीभांति निरीक्षण किया और इस दौरान पाई गई कमियां देख उसे हर संभव दूर करने का आश्वासन छात्रों को दिया। उन्होंने कहा कि अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रावासों में कोई दिक्कत न हो, उसके लिए आयोग गंभीर है। ने किया सबसे पहले ये बालिका छात्रावास जो है वहाँ में गया और उस विद्यालय को हमने 25 लाख रुपया दिया है और उन्हें पूछा क्या परेशानी है। हमने देखा भी तो शौचालय की हालत बहुत ख़राब है और बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री टूटा हुआ है। तो निर्देश दिया है कि आप 2-4 दिन के अंदर अंदर इसमें बनवा के उसे ठीक करावें ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। कहाँ का शौचालय? ये शौचालय है गर्ल छात्रावास है जो इसके पास जो है ना, तो ये इसीलिए है वहाँ का। और मैं यहाँ आया हूँ बालिका छात्रावास में जो यह बारलोटा यहाँ अवस्थित है। यहाँ शौचालय की भी भारी समस्या है। शौचालय शायद विधायक के मद से या और हिंडालको से बन रहा है जो अधूरा पड़ा हुआ है, उन लोगों से बात करना पड़ेगा। लेकिन बाकी 15 लाख रुपया हमने इसको दिया है वर्तमान, तो 15 लाख से पहले हम मेरा फोकस शौचालय बने, इसके बाद बाउंड्री टूटा फूटा वो बनेगा और बाकी हम लोग को फिर निर्देश कर रहे हैं कि कल आकर के और देख करके यहाँ एक नए सिरे से अच्छा स्टैंड बना के भेजे ताकि यहाँ का मूलभूत जो समस्या है उस सब का समाधान हो सके। माननीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन सह मंत्री दर्जा पास शिवधारी राम जी ने सदिक चौक पलामू क्लब के पास जो छात्रावास था वहाँ का जो स्थिति है उनका जानकारी लिए और अपने फंड के द्वारा वहाँ पर जो शौचालय बाउंड्री वॉल टूटा हुआ है उन पर उन्होंने फंड दिया और वो पैसा बिल्डिंग डिवीज़न को दे दिया गया है। अभी तक ला बिल्डिंग डिवीज़न उसका एस्टीमेट नहीं बना है ना कार्य किए हैं। अगर जल्द से जल्द इस पर कोई एस्टीमेट नहीं बनी, टेंडर नहीं हुई तो बिल्डिंग डिवीज़न पर कार्रवाई होगी और हम लोग का यही आशा है कि जल्द से जल्द बाउंड्री हो, जो बच्चियां वहां पर रह रही हैं उनका सेफ्टी हो और समाज में एक मैसेज अच्छा जाए। इसी दौरान में आज हम लोग रेणमा छात्रावास में भी हैं, यहाँ भी जो शौचालय बहुत सा समस्या आ रही है उसको भी देखा जा रहा है। यहाँ पर 15 लाख रुपया योजना बिल्डिंग डिवीज़न को भी दे दिया गया है, अभी तक यहाँ के भी एस्टीमेट नहीं बनाया गया है।